हेलो मेरे भाई लोग, तो कैसे हो आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी रैंक पुश। तो गैस अब सीन ये है कि 7 दिन बचे हैं और बहुत सारों का अभी तक कॉन्करर नहीं हो पाया। देन गैस वो पैनिक हो चुके हैं और गैस वो पैनिक में क्या कर रहे हैं कि हैक यूज़ कर रहे हैं। देन गैस उनका आईडी बैन हो रहा है। अब मेरे पास बहुत सारे डीएम आ चुके हैं। सो गैस अगर आप में से बहुत सारों का कॉन्करर नहीं हुआ है तो गैस हैक यूज़ मत करना, हो सके तो लेजिट पुश करना। देन गैस अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सीजन ट्राई करना। अगर आप हैक यूज़ करते हो, गलती से आईडी बैन हो गया तो आपके लोड़े लग सकते हैं। देन गैस हो सके तो गैस कोई भी हैक या कॉन्फिग यूज़ मत करना, पूरी तरह से लेजिट खेलने का ट्राई करना। और गैस हैकर काफ़ी हद तक कम हो चुके बट गैस फिर भी गेम में कभी कभी हैकर मिल जाते हैं। तो गैस यहाँ पे सीन क्या है मेरे साथ कि यहाँ पे मैं डेली गेम प्ले नहीं डाल पाता हूँ, बिकॉज कि जब मैं घर से थोड़ा बहुत बाहर आ चुका हूँ, मैं थोड़ा काम से बाहर हूँ। गैस यहाँ पे देखो बैकग्राउंड नॉइज़ भी आता है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी आता होगा और गैस मेरा मतलब कि वॉइस ओवर भी बहुत ही अजीब लगता होगा। तो गैस बात करते हैं इस गेम प्ले की, तो गैस ये एक नेक्स्ट लेवल गेम प्ले होने वाला है, बिकॉज गैस ऐसी लॉबी मेरे को बहुत दिनों बाद में देखने को मिली थी। इस लॉबी में आपको बहुत ज़्यादा मजे आने वाले और गैस एंड तक बहुत ही ज़्यादा बंदे अलाइव भी रहते हैं। तो गैस इस बंदे को मैंने सामने देख लिया था और गैस वो जस्ट पानी से निकलने वाला था, तभी गैस मैं उसको वेट कर रहा था कि वहाँ से एक बार निकले, और जैसे निकलता है तब देखो तो गैस इसको भी बड़े इजी तरीके से मार लेते हैं। तो गैस सिंपल से उसको मारने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ स्क्वाडोस में गाड़ी लेने के लिए। तभी गैस मेरे साथ क्या सीन होता है कि एक यहाँ पे आ जाता है जादूगर, तो जैसे ही मैं ऐसे निकलता हूँ तभी गैस मेरे को बहुत ही गंदा स्प्रे आ जाता है और मैं समझ चुका था कि ये बहुत ही गलत बंदा है। देन गैस सिंपल से मैं स्क्वाडोस में जाता हूँ और गैस ये मेरी जो दासी होती है उसको फोड़ देता है। उसके बाद में सीन क्या होता है वो आप देख। तो गाइस सिंपल सा ये मेरी दासिया को फोड़ के निकल जाता। देन गाइस मैंने यहाँ पे एक और गाड़ी देख ली थी, सिंपल सा उसको मैं उठाने के लिए जैसे जाता उसके बाद में ये जो मेरे साथ सीन करता है वो आप देखो। तो गाइस उस बंदे से बचकर सिंपल सा ये वाले स्क्वाडोस में आ जाते हैं जो कि सेंटर में था। गाइस जैसे यहाँ पे मैं रुकता हूँ तभी गाइस एक आ जाता है यूएजेड वाला, और गाइस इस बंदे के पास पोसाइडन सेट था और गाइस इसी का नाम हाई आरपी पे था। देन गाइस जैसे ही उतरता है मैं उसको थोड़ा बहुत लेट करता हूँ और सीधा कर देता हूँ पुश। तो गाइस ये बंदा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट था। देन गाइस सिंपल से ऊपर जाने का ट्राई करता और मैं यहाँ पे इमोट विमोट करके जलाता हूँ, बिकॉज गाइस इसके पास पोसाइडन सेड था और गाइस इसी का नाम हाई आरपी पे था और गाइस और पे बहुत ज़्यादा बसट भी मसा हुआ था इस बंदे के रिलेटिव। देन गाइस सिंपल से यहाँ पे इमोट करके उसको मैं जला रहा था, तभी गाइस क्या सीन होता है कि पास में एक ड्रॉप था और वहाँ पे आ जाती बग्गी। अब देखो उसके साथ क्या सीन करते हैं अपन। तो गाइस ये बंदा बहुत ज़्यादा लेट था, इसको अपन इजी तरीके से मार लेते अगर यहाँ पे फॉग नहीं होता। और गाइस ये फॉग वाला वेदर आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। गाइस मैं अपनी बताऊँ तो गाइस बहुत ही टट्टी लगता है, मैं तो ज़्यादातर एग्जिट कर लेता हूँ, इस बार मैंने नोटिस नहीं किया और गाइस गलती से इसी वाले मोड को खेल लिया। और गाइस इस वाले मोड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है खासकर रिकॉर्डिंग करना, बिकॉज गाइस इतना अजीब दिखता है, ब्राइटनेस को लो कर दो देन गाइस मतलब देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो गाइस वहाँ पे मैं ज़्यादा पिक नहीं लेता बिकॉज गाइस उस बंदे के पास AWM था और गाइस गलती से अगर मेरे को एक गोली भी लग जाती देन गाइस सीधा मैं लॉबी में पहुँच जाता। और गाइस यहाँ पे मैं अर्ली रोटेशन इसलिए रह रहा था, जैसे ज्वाइन करके वैसे गाइस मैं अच्छा खासा कंपाउंड लेने का ट्राई कर रहा था, बिकॉज गाइस जैसे मैं अगर कंपाउंड अच्छा खासा ले लिया देन गाइस वहाँ पे कोई भी अगर बंदे आएंगे तो उन पे मैं अच्छे खासा स्प्रे भी ले सकता हूँ। और गाइस लकीली जैसे मैं यहाँ पे स्क्वाडस में जा रहा था वहाँ पे बंदे निकल जाते देन गाइस सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ सेक में। तो गाइस यहाँ पे मैंने लकीली वर्ड इसलिए यूज़ किया कि वो वाला जो स्क्वाडस है वो जोन में नहीं कटेगा और गाइस ये वाला सेक लास्ट तक जोन में रहेगा। देन गाइस यहाँ पे देखो मेरे को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल चुके थे क्योंकि अच्छी खासी मेरे पास पोजीशन थी, बट गाइस यहाँ पे जो मेरे साथ गलत सीन होता है वो आप देखना।
तो गाइस पूरे जोन में एकमात्र कंपाउंड था ये वाला सेक्ट। देन गाइस जितने भी व्हीकल थे वो सारे के सारे यहाँ पे आने का ट्राई करते थे या फिर मेरे आसपास से गुजरने का ट्राई करते थे। देन गाइस मैं उन पे स्प्रे लेता था तो गाइस वो भाग जाते थे। बट गाइस यहाँ पे सीन क्या होता है कि मतलब इतने ज़्यादा व्हीकल जा रहे थे, देन गाइस मैं यहाँ पे पैनिक हो चुका था और इतनी बड़ी मैं गलती करता हूँ कभी भी गाइस अगर आप गलती मत करना। तो गाइस देखो मैं उसको ऑलरेडी टेक डाउन कर चुका था, बट गाइस यहाँ पे सिंपल सा AWM का एक फटका लगा और मैं पहुँच गया। तो गाइस गलती से भी मैंने ओपन में मत करना, हो सके तो स्मोक करके फायर करने का ट्राई करना। लेकिन गाइस इतने ज़्यादा व्हीकल गुजरे थे, देन गाइस यहाँ पे सोचा कि मैं थोड़े बहुत किल लेने का ट्राई करूँ, स्प्रे लेने का ट्राई करूँ और गाइस इसी रीजन से यहाँ पे मैं मर जाता हूँ और गाइस यही गलती करता हूँ। बट गाइस यहाँ पे अपन को अच्छा खासा प्लस मिल जाता है, 10 का प्लस मिलता है, फिर भी गाइस इतना लेट 10 का प्लस मिल रहा है। तो गाइस आपके लिए एक सिंपल सी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखो गाइस अगर आप प्लस की बात करती हो सोलो या डुओ में कंपेयर करते हो तो गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, भले गाइस आपको कितना प्लस मिले वो मेरे को नहीं पता। बट गाइस आज तक मैंने जितने भी मैच खेले मैंने दोनों में कॉन्करर कर रखा है, बट गाइस मेरे को डुओ के कंपेयर में सोलो में ज़्यादा प्लस मिलते हैं और गाइस इसका 100% एक फैक्ट है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो गाइस मैं बना दूंगा कि किसमें सबसे ज़्यादा प्लस मिलता है और क्यों मिलता है, कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस मैं आपको 100% प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि सोलो में ज़्यादा प्लस मिलेगा कंपेयर टू डुओ में, इसका क्या रीजन है वो अगर आपको चाहिए ना तो कमेंट करके जरूर बताना और मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया।